greetings from kamal sharma to all of you in our previous audio lecture we had discussed about adjectives today we shall go on with the same chapter so our today's chapter is काइंडस ऑफ एजेक्टिव जैसा कि पिछले ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं द वर्ड्स दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन दीज आर कॉल्ड एजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स के विभिन्न प्रकार होते हैं कुछ खास काइंड्स जो हैं एडजेक्टिव्स की उन पर यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव बोलते हैं या एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल अ वाइट काउ अ वाइट काउ यहाँ पर काउ जो है वो नाउन है काऊ वाट काइंड ऑफ काउ वाइट काउ सो वाइट इज एजेक्टिव वर्ड वाइट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन और शोइंग द क्वालिटी ऑफ द नाउन और डिस्क्राइबिंग द नाउन दैट इज वाई वाइट इज एन एजेक्टिव हियर और देखें स्वीट मैंगो स्वीट मैंगोज स्वीट मैंगोज मीठे आम यहां पर मैंगोज नाउन है व्हाट काइंड ऑफ मैंगोज स्वीट मैंगोज अ थिक बुक मोटी किताब अ थिक बुक बुक यहां पर नाउन है व्हाट काइंड ऑफ बुक थिक मोटी A good boy, a good boy, अच्छा लड़का Boy, what kind of boy? Good. तो good यहां पर adjective है boy noun है तो ऐसे adjectives जो किसी noun की quality के बारे में बात करते हैं किसी noun की quality को show करते हैं उन्हें हम descriptive या adjective of quality कहते हैं ये एजेक्टिव जो है वो प्रेडिकेटिव भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, सीता इज ब्यूटिफुल सीता इज ब्यूटिफुल यहाँ पर सीता जो है वो सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है और ब्यूटिफुल यहाँ पर एक प्रेडिकेटिव एजेक्टिव है जो सीता के बारे में बता रहा है सीता की क्वालिटी के बारे में बता रहा है तो ब्यूटिफुल है वो एजेक्टिव है एंड दिस एजेक्टिव ज क्वालिफाइंग द नाउन सीता ये प्रेडि, प्रेडिकेटिव एजेक्टिव है तो ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव हैं उनको प्रेडिकेटिवली भी यूज किया जा सकता है सिमिलरली राम इज ऑनेस्ट राम इज ऑनेस्ट राम यहां पर सब्जेक्ट है इज वो ब्लिंकिंग है और ऑनेस्ट जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक एडजेक्टिव है नाउन के बारे में बता रहा है राम के बारे में बता रहा है राम किस तरह का है ऑनेस्ट है तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं और होते हैं पॉजिशिव एडजेक्टिव्स पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगते हैं और सेंस ऑफ अथॉरिटी या सेंस ऑफ पोजेशन को शो करते हैं फॉर एग्जांपल माई बुक बुक यहां पर नाउन है माई बुक बुक यहां पर नाउन है हुज बुक माई बुक माई बुक तो माई जो है वो पॉजिटिव एजेक्टिव है और बुक यहां पर नाउन है हिस्स कार हिज कार कार यहां पर नाउन है हु car? Car. Car? कार हु कार किसकी कार हिज कार उसकी कार हिज यहां पर एजेक्टिव है कार नाउन है तो जो हुज़ को रिस्पोंड करते हैं हुज का रिप्लाई हमें जहाँ से मिलता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं राम्स अम्ब्रेला राम का छाता, राम्स अम्ब्रेला अम्ब्रेला यहाँ पर नाउन है हुज अम्ब्रेला राम्स अम्ब्रेला गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का छात्रावास हुज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव एजेक्टिव वे होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगते हैं और पॉजिशन को शो करते हैं स्वामित्व को या अधिकार को बताते हैं इसी तरह बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऐसे एजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं और किसी नाउन के बारे में बताते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक प्रॉपर नाउन है इंडिया से बना इंडियन इंडियन है वो एजेक्टिव इंडियन टी इंडियन टी भारतीय चाय टी जो है वो यहाँ पर नाउन है इंडियन एजेक्टिव है इंडियन टी जैपनीज टेक्नोलॉजी जापानीज़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यहाँ पर नाउन है टेक्नोलॉजी नाउन है और जापानीज यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर जापान से बना जापानीज, अमेरिका America से अमेरिकन चाइना से चाइनीज नेपाल से नेपालीज तो किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है और ये किसी नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं इन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं इसके बाद हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन से पहले रहते हैं और नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नाउन की तरफ संकेत करते हैं नाउन को डिनोट करते हैं उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस पैन यह पैन विच पैन दिस पैन ये विच का रिप्लाई मिलता है हमें विच का आंसर मिलता है इस एडजेक्टिव से दिस पैन विच पैन दिस पैन यहाँ पर दिस जो है वो एडजेक्टिव है और पैन यहां पर नाउन है दैट हाउस वह घर हाउस यहां पर नाउन है विच हाउस दैट हाउस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है दीज गर्ल्स दीज गर्ल्स गर्ल्स नाउन है विच गर्ल्स दीज गर्ल्स दीज यहां पर एजेक्टिव है और गर्ल्स नाउन है दो स्ट्रीज वे पेड दोज ट्रीज ट्रीज यहाँ पर नाउन है और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है तो दिस दैट दीज दोज ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहलाते हैं जब ये किसी नाउन से पहले लगते हैं उस समय ये एजेक्टिव होते हैं और उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं संकेत करते हैं इसीलिए इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव कहा जाता है अब बात करेंगे इंटरेगेटिव एजेक्टिव इंटेगेटिव एजेक्टिव वे होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगते हैं और साथ ही क्वेश्चन पूछते हैं और नाउन को डिस्क्राइब भी करते हैं नाउन के बारे में कुछ बताते हुए क्वेश्चन पूछते हैं और नाउन से पहले उनकी पोजीशन होती है इसीलिए इनको कहा जाता है इंटेगेटिव एडजेक्टिव्स ये होते हैं व्हाट विच और हुज़ फॉर एग्जांपल व्हाट ट्रीज आर दोज व्हाट ट्रीज आर दोज वे कौन से पेड़ है ट्रीज ट्रीज से पहले व्हाट लगा है ट्रीज के बारे में बता रहा है और ट्रीज के बारे में बताते हुए क्वेश्चन भी पूछ रहा है हियर द वर्ड वॉट इज क्वालिफाइंग द नाउन ट्रीज एंड आस्किंग ए क्वेश्चन साइमल्टेनियसली दैट इज वाय वॉट इज एन एजेक्टिव हियर एंड इट इज एन इंटेरेगेटिव एजेक्टिव बिकॉज इट मेक्स अ क्वेश्चन वॉट लैंग्वेजेस डू दे स्पीक वॉट लैंग्वेजेज डू दे स्पीक वे कौन सी भाषाएं बोलते हैं कौन सी भाषाएं यहां पर लैंग्वेजेस से पहले लैंग्वेजेज नाउन है और वॉट यहां पर इंटरेगेटिव एजेक्टिव है विच बुक इज यॉर्स विच बुक इज यॉर्स तुम्हारी किताब कौन सी है बुक यहां पर नाउन है और विच इंटरेगेटिव एजेक्टिव है इज दैट हुज कार इज दैट वह कार किसकी है कार यहाँ पर नाउन है हुज कार कार यहाँ नाउन है और हुज जो है वह नाउन से पहले लगा है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है साथ ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो हुज यहाँ पर इंटरेगेटिव एजेक्टिव है तो इंग्लिश में वॉट विच और हुज ये तीनों इंटरेगेटिव एजेक्टिव होते हैं लेकिन ये इंटरगेटिव एजेक्टिव तभी होंगे जब वे किसी नाउन से पहले लगेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे उसी समय उन्हें हम इंटरगेटिव एजेक्टिव बोलेंगे अब हम बात करेंगे एजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एजेक्टिव जो संख्या को बताते हैं इनको एजेक्टिव ऑफ नंबर के अलावा न्यूमरल एजेक्टिव भी बोला जाता है न्यूमरल एजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर ऐसे एजेक्टिव्स जो किसी नाउन से पहले लग के उस नाउन की संख्या को बताते हैं ये दो प्रकार के होते हैं डेफिनेट न्यूमरल्स और इनडेफिनेट न्यूमरल्स डेफिनेट न्यूमरल्स वे होते हैं जो निश्चित संख्या बताते हैं और इनडेफिनेट न्यूमरल्स वे होते हैं जो अनिश्चित संख्या बताते हैं द नंबर इज सर्टेन डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और जब नंबर सर्टेन नहीं होता है उस समय इनडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो डेफिनेट एडजेक्टिव को पहले देखें हम डेफिनेट एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं ऑर्डिनल्स और एक होते हैं कॉर्डिनल्स कार्डिनल्स सी ए आर डी आई एन ए एल एस ऑर्डिनल्स वे एजेक्टिव होते हैं जो ऑर्डर को बताते हैं क्रम को बताते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फर्स्ट क्लास पहली क्लास क्लास विच क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड डिवीजन डिवीजन नाउन है सेकेंड यहां पर एजेक्टिव है न्यूमरल एजेक्टिव है और ये ऑर्डिनल है ऑर्डिनल न्यूमरल एजेक्टिव इसको कह सकते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर तीसरा फ्लोर फ्लोर यहां पर नाउन है थर्ड ऑर्डिनल एजेक्टिव है इसी तरह से नेक्स्ट मिडिल लास्ट ये भी सभी ऑर्डिनल एजेक्टिव हैं नेक्स्ट रूम लास्ट चैप्टर मिडिल सेक्शन ये सभी ऑर्डिनल्स हैं क्रम को बताते हैं ऑर्डर को बताते हैं साथ ही नंबर को भी बताते हैं इसीलिए ऑर्डिनल न्यूमरल ये। और डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव में एक होता है कार्डिनल कार्डिनल एजेक्टिव वे होते हैं जो संख्या को बताते हैं क्रम को नहीं बताते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये सभी कार्डिनल्स हैं वन बॉय टू गर्ल्स फाइव फिंगर्स सेवन स्टार्स नाइन प्लेनेट्स तो किसी नाउन से पहले लगकर के नंबर को बताते हैं हाउ मेनी स्टार्स सेवन स्टार्स फॉर डायरेक्शंस हाउ मेनी डायरेक्शंस फॉर ये सभी कार्डिनल्स होते हैं तो ये तो हुए डेफिनेट न्यूमरल ये किसी निश्चित संख्या को बताते हैं डेफिनेट न्यूमरल दो प्रकार के बताए मैंने ऑर्डिनल जो क्रम को बताते हैं कार्डिनल जो संख्या को बताते हैं अब बात करेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल की इनडेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव वे होते हैं जो एक अनिश्चित संख्या बताते हैं फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज अ फ्यू स्टूडेंट्स सम बॉयज बॉयज हाउ मेनी बॉयज सम सम यहां पर एडजेक्टिव है बॉयज नाउन है अ फ्यू स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी अ फ्यू स्टूडेंट्स इसी तरह से a lot of mangoes a lot of mangoes mangoes how many a lot of तो ये सभी एक अनिश्चित संख्या को बताते हैं तो some any few of you the few several many a lot of more most all नो no, ये सभी न्यूमरल एजेक्टिव एजेक्टिव हैं जो इनडेफिनेट हैं इनडेफिनेट नंबर को बताते हैं सेवरल बुक्स कई सारी किताबें मैनी पीपल कई सारे लोग ये सभी एक इनडेफिनेट नंबर को बताते हैं पीपल हाउ मैनी मैनी यहां पर मैनी एजेक्टिव है और पीपल नाउन है किसी नाउन से पहले लग करके उस नाउन की एक अनिश्चित संख्या को बताने वाले जो एजेक्टिव होते हैं उन्हें हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं और होते हैं एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी नाउन की मात्रा को बताने वाले जो एजेक्टिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल मच वाटर ज्यादा पानी वाटर हाउ मच मच वाटर ज्यादा पानी अधिक पानी अ लिटिल मिल्क थोड़ा सा दूध मिल्क हाउ मच अ लिटिल इसी तरह से ऑल वेल्थ सारी संपत्ति ऑल वेल्थ वेल्थ हाउ मच ऑल तो ऑल एक ऐसा एडजेक्टिव है यहां पर जो नंबर को भी बता सकता है क्वांटिटी को भी बता सकता है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं यहां पर आपने कुछ न्यूमरल भी हैं और कुछ क्वांटिफायर भी हैं फॉर एग्जांपल सम न्यूमरल भी है क्वांटिफायर भी है नंबर को भी बताता है क्वांटिटी को भी बताता है एनी नंबर को भी बताता है क्वांटिटी को भी बताता है तो सम एनी most more a lot of ये सभी नंबर और क्वांटिटी दोनों बताते हैं ऑल ऑल भी बताता है ऑल बॉयज ऑल बॉयज वर प्रेजेंट ऑल वाटर ऑल वाटर वाज ड्राइड अप ऑल वाटर तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन से पहले लग के नाउन की मात्रा को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिफायर्स बोलते हैं इसके बाद होते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पार्टिसिपल की सहायता से बनते हैं पार्टिसिपल्स यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल लेकिन यहां पर हम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन कैसे होता है वर्क प्लस आईएनजी से और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कोई पार्टिसिपल किसी नाउन से पहले लगकर के उस नाउन के बारे में कुछ बताता है उस समय वो पार्टिसिपियल एजेक्टिव होगा फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर वाटर यहां पर नाउन है और वाटर कैसा है बॉइलिंग उबलता हुआ बॉइल प्लस आई एन जी बॉइलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बॉइलिंग वाटर वाटर नाउन है और बॉइलिंग जो शब्द है वो वाटर के बारे में कुछ बता रहा है इसलिए ये एजेक्टिव है और ये पार्टिसिपल है इसलिए पार्टिसिपियल एजेक्टिव है बॉइलिंग वाटर बॉइल्ड एग्स बॉइल्ड एग्स उबले हुए अंडे एग्स नाउन है और बॉइल्ड यहां पर adjective है वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है यहां पर ये यह adjective है बॉइल्ड एग्स ब्रोकन chair ब्रोकन chair टूटी हुई कुर्सी chair चेयर के बारे में बता रहा है वर्ड ब्रोकन चेयर नाउन है ब्रोकन adjective है वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए ये कहलाएगा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा स्टार स्टार यहाँ पर नाउन है शूटिंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी से बना है शूटिंग स्टार व्हाट काइंड ऑफ स्टार शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा यहाँ पर शूटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और नाउन के बारे में कुछ बता रहा है इसलिए ये पार्टिसिपियल एजेक्टिव है और स्टार है वो नाउन है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट काइंड्स जो थे एजेक्टिवस के उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है और आगे नेक्स्ट चैप्टर में नए ऑडियो के साथ फिर आएंगे